राम राम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। वीडियो तो लेट है, मतलब ये चांद पूरा टोचन था जो 10 तारीख का, उसके पहले किया है। टाइम ही नहीं लगा यार वीडियो अपलोड करने का ना, तो अकेला हूँ तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि और किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इतनी भी, क्योंकि कहीं कुछ कोई ऐसे ही अब वीडियो बनते हुए कोई गाली वगैरह ना हो। अब भाई कोई भी देखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, बस वो एक बार देखनी होती है, उसमें ही टाइम लग जाता है, तो इस वजह से वीडियो बाद में अपलोड कर रहा हूँ। देखो, हमने एक 744 है स्वराज, वो तैयार किया सिर्फ जाने से एक दिन पहले, टायर लिए हमने सेकंड हैंड, और मतलब सिर्फ 2 दिन के अंदर तैयार किया, और ट्रैक्टर ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, मतलब मजा ही आ गया। फोर्थ राउंड में ट्रैक्टर हारा है ये, देख भी लेना आप चांदपुरा टोचन में, मतलब स्वराज की क्या ही परफॉर्मेंस है, मजा दे दिया। मतलब मेहनत हमारी सक्सेस होगी, बहुत अच्छा चला है। और अपने जॉन डियर ने तो भाई, मेरी गलती से, क्योंकि भाई अभी एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ अच्छे से, मतलब मेरे को ट्रैक्टर चलाते हुए, उसके पहले कभी ट्रैक्टर चलाया, वैसे भी नहीं चलाया था तो भाई। और वो जो ड्राइवर हैं उनको भाई आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि उनका एक्सपीरियंस ही इतना है, हम तो उनके सामने, मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत कम है ही नहीं है, उनके मुकाबले तो जीरो है। तो मतलब मेन कारण यही है कि उन लोगों को हर तरह से हर एक ग्राउंड का हर एक पिच का पता है, बट फिर भी हमारे ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्म, योद्धा ने भी मजा दे दिया। योद्धा के टायर बस हम इसलिए लेके गए थे वो वाले, कि अगर इतना ना डाला ना ग्राउंड में तो फिर भाई योद्धा का नंबर था इस बार। योद्धा इतना अच्छा चला था, इतना अच्छा बैलेंस था योद्धा का, मतलब कमाल ही परफॉर्मेंस थी। और जॉन डियर ने तो भाई दिल जीत लिया सच में, मतलब मजा ही आ गया, बहुत अच्छा चला भाई। देखना, मतलब अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग की वीडियो डालूंगा, 1-2 दिन में वो जो टोचन वाली वीडियो वो भी ऐड कर दूँ, उनमें सॉन्ग प्ले हो रखे हैं वो कटने हैं बस थोड़े कटवट, तो उसके बाद वो डालूंगा, करना एंजॉय। एक भाई यार वीडियो पे ना व्यू नहीं आते बस, असल ना मैं इसलिए थोड़ी ध्यान नहीं जाता कि अगर व्यू आए तो फिर तो बंदा ना कितना भी बिजी हो फिर तो टाइम निकाल के फटाफट करता ही है, मेन कारण बस ये भी है कि व्यू ना अच्छे आना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम अपने काम पे लगे हुए हैं, जितने आते हैं जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए सही, तो मतलब करता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखा करो अपना, और अपने ट्रैक्टर बताओ कैसे चले हैं, अब की बार तो मतलब दिल खुश है, सही में दिल खुश है। ठीक है दोस्तों, और एक उन भाइयों के लिए भी है, भाई ये देखो, इसमें देखना कि बोल देते हैं ना हमारा टोचन मेला, ऐसे होते हैं टोचन मेले, लाइव निकाल के भी देख लो 10 तारीख का, चांदपुरा है, हरियाणा में ही है, करवाया करो भाई बहुत अच्छे। क्या ये 10-20 हजार रुपये, थोड़ा ये ग्राउंड वगैरह को थोड़ा अच्छे से बैरिगेट वगैरह लगा दो, बस इतनी सी बात होती है, और थोड़ा भाई बेईमान लोगों को दूर रखो, बढ़िया मैच होंगे तो तारीफ भी अच्छी होगी, लोगों का भी दिल खुश होगा, और भी लोग करवाएंगे फिर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, करो ये वीडियो एंजॉय। लाइव अपने 52 के पास पहुंच गए हैं, देखिए तोड़ी वाला मैं ले रखी थी, केश की सेवा भाई, वो भी दौड़ना तो पड़ेगा, तू आवांगे चल अड्डा पे, मिलते चलो मंडी में। देखो चांदपुरा तैयारी, बदल दिए टायर भी, रोज रोज हम तो इसे काम पे रह गए, टायर जरूर बदलें साथ के साथ, क्योंकि फोटो वीडियो बनानी हुआ फिर टायर चेंज कर दें हम, फिर निकाले हैं ये भी खोल दें ऊपर वाले स्पीकर, ज्यादा हाइट हो रही है, स्पीकर खोल के रख देंगे।
भाई पिछले टोचन तो पहले ही टूटी तो थी ये रेस, ये यहाँ से टूटी थी ये वाली, ये देखो फ्री हुआ पड़ा था, इसके साथ ही काम चलाया था, यहाँ लगेगी ये, ये ले भाई ले भाई, के पकड़ना है रेस, पानी ले ले एक बार, पानी ले लिया गल्ला, पानी लेकर रखे जाएंगे क्या कि नीचे पत्ती पुत्ती रख ले कोई, हाँ पानी भी रख लिया, नजदीक पानी होना जरूरी है क्यों, हर इसकी काम है, काम और कर लो, इसके नीचे को पत्ती फसा लो, वो चादर कोई अब राम तो जगह है भाई, बहुत रिस्की है वैसे भाई, वैसे तो टंकी खाली करके आए हैं तेल की, फिर भी रिस्की तो है ही है क्योंकि इतना रह ही जाता है थोड़ा बहुत तो। भाई ढक्कन भूल गए थे हम खोलना, जब बाई चांस आप भी ऐसा कोई काम करो तो तेल की टैंकी का ढक्कन जरूर खोल देना, उसमें गैस या उसकी वजह से ना कुछ भी हो, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत हो तो खुला होगा, रिस्क 30% 25% रह जाएगा, 75 कम हो जाएगा, अगर ऊपर से ढक्कन बंद होगा तो ब्लास्ट भी हो सकता है गैस बन के, क्यों खुलने का बहुत मतलब लगेगी तो सिर्फ आग लगेगी और कुछ नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होने का, ये देखो भाई बिल्कुल टैंकी के पास है, मतलब भाई आधा घंटा हो गया एक पूरा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चे होते हैं भाई शौचन के लिए, यूं नहीं है कि टायर डलवाए और चला दिए, इन टायरों के साथ काले ने कभी एक रुपए का काम नहीं किया, सिर्फ टोचन के लिए नई जोड़ी लेके आया था और 10 मेरे ख्याल 15 टोचन खेल लिए होंगे, देख लो कितना टायर रह रहा है, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, और इसकी तो खत्म, इसमें तो नए लगवाएंगे, इसमें नए चलते नहीं, डिफेंसर नहीं है इसलिए नहीं डलवा रहा इसमें नए में, डेट नया ट्रैक्टर अच्छी बार देखो कैसा परफॉर्म करेगा, और अपनी थार की भाई हुक लगी देखो, देखियो भाई टायर कितना कितना, ये सारे टायर है ये देखियो, सारे टायर हैं उधर देख लो, उधर देख लो, और ये देखो ये सारे टायर किसे हुए हैं, इकट्ठी करना 1 किलो रबड़ हो जाएगी कम से कम, देखियो
Thank you.
काटते ना।